दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में से आपका फेवरेट यंग प्लेयर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज आईपीएल 2022 का मैच नंबर 29 खेला गया, जहां सीएसके का मुकाबला गुजरात से हुआ। गुजरात के कैप्टन राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। फैसला एकदम सही साबित हुआ और पावर प्ले में चेन्नई के दो विकेट गिर गए, जहां रॉबिन उथप्पा 3 रनों पर, वहीं मोइन अली 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। पावर प्ले के बाद चेन्नई का स्कोर था मात्र 39 रन, जहां चेन्नई के दो विकेट्स भी गिर गए थे। 6 ओवर के बाद क्रीज पर मौजूद थे ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू। पावर प्ले के बाद भी गुजरात के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और 7वें, 8वें, 9वें और 10वें ओवर से मात्र 27 रन ही दिए और 10 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 66 रन दो विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू ने अटैक किया और 11वें, 12वें और 13वें ओवर से 4 6 और 3 4 लगा दिए और तीनों ओवर से कुल 47 रन जोड़े और 13 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 113 रन, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पर 15वें ओवर में अच्छा खेल रहे अंबाती रायडू 46 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू के बीच 92 रनों की साझेदारी भी हुई। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 125 रन, जहां सीएसके के 3 विकेट गिर चुके थे। अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बैटिंग करने आए शिवम दुबे। पर 17वें ओवर में अच्छा खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ भी 73 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अब क्रीज पर मौजूद थे शिवम दुबे और कैप्टन रविंद्र जडेजा। 18वें और 19वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 16 रन ही स्कोर किए, पर आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने लोकी फर्ग्यूसन को 2 6 लगा दिए और पूरे ओवर से 18 रन जोड़े। 20 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 169 रन। अब गुजरात को ये मैच जीतने के लिए 170 रनों की आवश्यकता थी। 170 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पावर प्ले में गुजरात के 3 विकेट गिर गए, जहां शुभमन गिल 0 पर, विजय शंकर भी 0 पर और अभिनव मनोहर 12 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। और 6 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर मौजूद थे रिद्धिमान साहा और डेविड मिलर, पर 8वें ओवर में साहा भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। पहले 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 58 रन, जहां गुजरात के 4 विकेट गिर चुके थे। 11वें और 12वें ओवर से डेविड मिलर ने 3 6 और 2 4 लगा दिए और दोनों ओवर से 29 रन जोड़े। इसी बीच डेविड मिलर ने मात्र 28 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पर 13वें ओवर में राहुल टेवटिया भी आउट हो गए। अब डेविड मिलर का साथ देने आए कैप्टन राशिद खान। 14वें और 15वें ओवर से डेविड मिलर और राशिद खान ने 21 रन जोड़े। अब 5 ओवर में गुजरात को और 62 रनों की आवश्यकता थी। 16वें और 17वें ओवर से आए मात्र 14 रन। अब 3 ओवर में 48 रनों की आवश्यकता थी। 18वें ओवर में राशिद खान ने जॉर्डन के ओवर से 3 6 और 1 4 लगा दिया और पूरे ओवर से कुल 25 रन जोड़े। अब 2 ओवर में 23 रनों की आवश्यकता थी।